As you all know, now Amity Bijwasan is shifting to Amity Noida. So, yeah, don't feel jealous. मतलब हमसे अब हम लोग वहाँ final year हैं. फिर वहाँ से 70 मिनट की मेट्रो और फिर वहाँ पे भी सफर खत्म नहीं होता, 20 मिनट की बस लेके यूनिवर्सिटी पहुंचूंगा, बुड्ढा सिटी सेंटर से जाऊंगा, वो गुरुग्राम का पहला स्टेशन है. तो मतलब वैसे तो मैं मैथ में बहुत ज्यादा अच्छा नहीं हूँ, बट फिर भी अगर हिसाब लगाऊं तो 6 घंटे पड़ रहा है, मतलब 6 घंटे ट्रैवलिंग में. सोच रहा हूँ लाइफ का टाइटल चेंज कर दूं, लाइफ इन अ मेट्रो, क्योंकि टेक्निकली तो 6 घंटे लगते हैं. वहाँ पे मुझे लगता है हमारे लेक्चर ऑल्टरनेट होंगे, मतलब लेक्चर 1 लेक्चर 3 लेक्चर 5. हाँ थोड़ा ज्यादा फेंक रहा हूँ, लेकिन बात सिर्फ डिस्टेंस की नहीं है. एमिटी नोएडा में हरियाली भी बहुत है. नहीं डबल मीनिंग बात नहीं कर रहा, हरियाली से मतलब पेड़ पौधे का, ग्रीनरी का, जो बिजवासन में नहीं है. तो गाइस एमिटी नोएडा इतना बड़ा है ना यार, वहाँ पे मतलब अगर आपको अपने दोस्त को ढूंढना तो बहुत टाइम लगता है. जैसे मेरा दोस्त का कॉल आया, वो कहता तू कहाँ पे है, मुझे ज्यादा पता नहीं था. मैंने कहा पता नहीं कहाँ खड़ा हूँ, तो कहता कुछ बता आसपास. मैंने कहा भाई सामने सीढ़ियाँ और फर्स्ट फ्लोर पे खड़ा हूँ. सामने से 3 गाड़ियाँ आई. अब गाड़ियाँ ना लाजमी है गाइस, अगर इतने बड़े कैंपस में किसी को बोलूंगा कि यार सीढ़ियों के सामने खड़ा हूँ तो वो बोले गए. बट अगर यही सेम सीन एमिटी बिजवासन में होता तो ऐसा कुछ होता ही नहीं. मतलब उसको बोलता फर्स्ट फ्लोर पे खड़ा हूँ और सामने सीढ़ियाँ हैं, तो यार समझ जाएगा ना कि रिसेप्शन पे जाना है. तो ऐसी कंफ्यूजन होती नहीं, तो इसलिए यार एमिटी बिजवासन इज बेटर.